टीवीएन देखण वाले समुचे दर्शकों नूं दविंदर सिंह बैनीपाल वालों प्यार अते सत्कार सहित सत श्री अकाल। द बैनीपाल शो विच तुहाडा सभना दा निघा स्वागत। मूसेवाल दे पिता ने सरकार नूं दिता एक हफ्ते दा अल्टीमेटम। सीसीटीवी कैमरिया नाल मूसेवाले दी कीती जा रही सी रेकी नवा खुलासा। प्रकाश सिंह बादल अते सुखबीर सिंह बादल दोवें सब तो गरीब आगू पार्टी ने भरी अपनी सालाना रिपोर्ट। अकाली दल विच पिया फिर तो वड्डा कलेश। कैनेडा दा वीज़ा ना मिलण कारण खुदकुशी करन वाले नौजवान नूं अगले दिन मिलिया वीज़ा। दरबार साहब परिक्रमा विच जगदीश टाइटलर की फोटो वाली टी शर्ट पा के फोटो खिंचवाउण वाला करमजीत गिल गिरफ्तार। टूरनामेंट तो बाद कबड्डी खिडारी ते होया जानलेवा हमला। 500 करोड़ हड़प्पण वाला गिरोह दिल्ली पुलिस ने किया काबू। दोस्तों ये कुछ जानकारियां अपने प्रोग्राम दौरान शामिल कीतियां जाणगियां। इन्हां तो पहला कि इन्हां दे उत्ते विस्तार दे नाल गलबात की जाए, तुहानू सभनां नू बेनती है कि प्रोग्राम देख लेना सुन लेना, जेकर चंगा लग्या फिर लाइक अते शेयर जरूर कर देना। दूसरी बेनती ये कि जेकर हाले तक तुसीं अपने इस चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया तां कृपा करके सबसक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर ऑन कर लैनी, तुहाडे दिलों धन्नवादी होवांगे। आओ हुण सारियां जानकारियां दे उत्ते विस्तार दे नाल गलबात करिए। सब तो पहला सिद्धू मूसेवाल दा कतलकांड एक बार फिर तो इस वक्त चर्चा च है। असल दे विच मूसेवाल दे माँ बाप ने उहदे मापिआं ने पुलिस दे नाल सरकार दे नाल नाराजगी का प्रगटावा किया। वो कहिंदे असीं जांच तो खुश नहीं हाँ, इस वास्ते वो कहिंदे हुण असीं सरकार दे खिलाफ मोर्चा खोलण जा रहे हाँ। बलकौर सिंह सिद्धू ने कहा कि सरकार उन्हां नूं जांच बारे सही जानकारी नहीं दे रही, इस करके सरकार नूं हुण सिर्फ असीं एक हफ्ते का अल्टीमेटम दे रहे हाँ। वो कहिंदे जेकर उन्हां दे पुत्तर दे कतल दे नाल जुड़े हुए सीधे जां असिधे लोग जिहड़े वी ने उन्हां दे खिलाफ बनदी कार्रवाई ना की गई तो संघर्ष विजणगे। उन्हां इह वी कहा कि जेकर अंदोलन विच उन्हां दे नाल होर कोई ना भी लग्या तां उह अते उन्हां दी घरवाली उह अंदोलन शुरू कर देणगे। उन्होंने ये भी कहा कि वह चुप नहीं करके बैठणगे, संघर्ष अपना जारी रखणगे। उन्होंने ये भी कहा कि यह हाले तक सानू दस्या नहीं गया कि जिहड़े हथियार कातलों के कोल आए हथियार दसे गए कि विदेशी आए कित्थों। तुहानू याद होना है कि समय समय से वह अपना गुस्सा अपनी नाराजगी प्रगटाउंदे रहिंदे ने। कुछ कु दिन पहला उन्होंने एक बार ये भी आख्या सी कि मूसेवाल का कतल मूसेवाल के कुछ दोस्त वो भी शामिल सी। इन्होंने दस्या कुछ कलाकार भी है कुछ आगू भी है, पर समा आने पर कहिंदे सी मैं उन्हां दा नाम लै दांगा। हुण वो कहिंदे मेरे पुत्तर नूं उहदी मशहूरी मार की, कुछ लोगों मेरे पुत्र की सफलता बर्दाश्त नहीं हुई, वो बर्दाश्त नहीं कर सके। बलकौर सिंह सिद्धू कहिंदे कि अजिहे लोग जिहड़े सिद्धू के कैरियर के फैसलों के शामिल होना चाहते सी पर सिद्धू ने उन्होंने वल ध्यान नहीं दिता। यह मदभागा सी कि उन्होंने फर्जी दोस्तों की पहचान ना कर सकिया। उन्होंने यह भी आख्या कि जल्द ही उन्होंने नामों का खुलासा करांगा। वो कहिंदे मेरा पुत्र तो मासूम सी, मासूमियत की उदाहरण दिती, कहिंदे उन्हें अपने नाम से बैंक खाता भी नहीं सी खुलवाया होया। ते नाल वो कहिंदे कुछ पाकिस्तानी नंबरों तो जानो मारन दीआं मैनूं धमकियां मिलन लगियां सी। जदों ये खबरां आईयां सी तो सिद्धू मूसेवाल के एक प्रशंसक ने भी इंस्टाग्राम से एक पोस्ट पाई सी जिस दे विच कहा सी कि अगला नंबर बापू दा उहनूं बचाओ। वो तो बाद बलकौर सिंह सिद्धू होरां दी सुरक्षा वधा दित्ती गई सी, पर उन्होंने कहा कि ना तो मेरा लड़का किस तो डरदा सी ना मैं किस तो डरदा, मैं उदों तक आराम नाल नहीं बैठांगा जदों तक मेरे पुत्र नूं इंसाफ नहीं मिलता। तो दूसरे पासे जो उन्होंने आ वीडियो सामने आई है उहदे तो बाद मानसा के SSP गौरव तूरा ने आख्या है कि पंजाब पुलिस के वलों सिद्धू मूसेवाल के परिवार को हर तरह नाल इंसाफ दवाउण लई तेजी नाल उपराले किए जा रहे हैं। वो कहिंदे हुण तक कतल की घटना नाल सीधे जां असिधे तौर पर शामिल दोषियों नूं गिरफ्तार किया जा चुका है, सिर्फ दीपक मुंडी गिरफ्तार करना बाकी है। उन्होंने ये भी दस्या कि बड़ी जल्द चार्जशीट तैयार की गई है तो दाखिल कर दिती जाएगी। तो बाद अदालत का काम है, अदालत ने दोषियों सज़ा देनी है।
उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस परिवार को हर तरह का सहयोग भी दे रही है। जदों के सिद्धू मूसेवाले की माता चरण कौर ने कहा कि वह माण महसूस करते हैं कि उन्हों का पुत्र महान सी जिसने कोई गुनाह नहीं सी कीता। उन्होंने इतों तक आख्या कि मूसेवाले के कातल सन जो डरपोक सी जिन्हों के हौसला ही नहीं बनया जिन्हों का जिन्होंने उन्होंने पुत्र को घेर के मारिया। उन्होंने इतों तक आख्या कि उन्होंने पुत्र अजिही मौत देने वाले वह बददुआ देंगे है कि उन्होंने भी हशर उन्हों का भी हाल यो ही हो। उन्होंने सरकार नाल गिला भी प्रगटाया रोस भी किया कि सरकार तो उन्होंने कोई उम्मीद नहीं पर इंसाफ हर हालत में लैके रहेंगे। हुण तुसी देखो कि सचमुच बहुत वड्डा दुखां दा पहाड़ टुटिया होया है। इंसाफ की उड़ीक विच भी ने वो कहिंदे सी 3 महीने हो गए है ते हाले तक साडे पुत्र की मौत का इंसाफ मिलिया नहीं। पर दूसरे पासे एस एस पी साहब की कहिंदे आ वो भी तुहानू दस दिता है। हुण तक 6 शार्प शूटरां दे विचों 2 दा मुकाबला हो चुके है। 3 पुलिस की गिरफ्त विच ने ते 1 दी भाल जारी है। लॉरेंस बिश्नोई तुहानू पता कि पंजाब पुलिस लियांदा होया उहने पंजाब दे विच वख-वख मामलों में उलझा के रख्या होया है। गोल्डी बराड़ नूं कैनेडा तो पंजाब लिजाण वास्ते चाराजोई शुरू कर दिती होई है पर हाले भी शायद उन्होंने लगता है कि हुण तक तो फैसला हो जाना चाहिए सी। अगली जिहड़ी खबर है कि मूसेवाला कतल केस के नाल नित नवीं परतां खुल गईआं ने नित नवें खुलासे हुंदे ने। हुण जानकारी मिली है कि जिस तरह पहला जानकारी मिली सी कि संदीप केकड़ा नाम का एक नौजवान सी अपने साथियों दे नाल मिलके वह मूसेवाले दे घर की रेकी कर रहा सी कदों आ रहा कित्थे जा रहा तो उन्हें फिर सूचना भी दित्ती सी ते वह भी पुलिस ने गिरफ्त में लिया होया है। तो हुण जानकारी मिली है कि बंदियां दे नाल नाल सीसीटीवी कैमरियां दे राही भी सिद्धू मूसेवाले दी रेकी की जा रही सी ते ए रेकी दे बाद सिद्धू मूसेवाले दे गुआंढी सवालां दे घेरे च आ गए है। जानकारी दे अनुसार मूसेवाले दे गुआंढ दे विच इक घर बनिया होया उन्हां दी हवेली दे नेड़े है। उस घर दे उत्ते 2 सीसीटीवी कैमरे लगे हुण ते उन्हां दा मूंह मूसेवाले दी हवेली वल है। ये खुलासा होण तों बाद मानसा पुलिस हरकत विच आ गई है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरियां दे रिकॉर्ड खंगालने शुरू कर दित्ते है। यह भी दस्या जा रहा है कि पुलिस ने गुआंढियों के मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है ते मोबाइल फोन फोरेंसिक जांच वास्ते भेज दिते है। जदों कि गुआंढियों ने मूसेवाले की सीसीटीवी कैमरे नाल रेकी किए जाने की गल तो साफ इनकार किया है। वो दावा करते हैं कि पुलिस जांच विच उन्होंने पहला क्लीन चिट मिल चुकी है। जानकारी के अनुसार जिहड़ा एक घर है अवतार सिंह ते जगतार सिंह दोवें भरा ने उन्हों का जगतार सिंह मोहाली की होमलैंड सोसायटी में रहिंदा है। जदों के अवतार अपने परिवार अते जगतार दे परिवार समेत इसे घर में रहिंदा जिहदे ते कैमरे लगे हुए हैं। मूसेवाले की हवेली तो सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर यह घर है। परिवार का दावा है कि साडे जिहड़े आ 2 कैमरे लगे हुए हैं जिस दे कारण साडे उत्ते सवाल उठ रहे हैं कि मूसेवाले की रेकी की जा रही सी। वो कहिंदे साडे कैमरिया की रेंज सिर्फ 100 मीटर तक है 200 मीटर तक रेंज नहीं। अवतार अते जगतार दे परिवार दे मुताबक मूसे पिंड विच 2 कतल हो गए सी। उहदे तों बाद वो कहिंदे सानूं पुलिस ने आख्या सी कि बाहर बाहर तुहाडा घर है तुसीं इत्थे कैमरे लवा लो। पुलिस नूं भी इस तरह का जेकर कोई केस वापरदा दुर्घटना वापरदी है पुलिस नूं मदद मिल सकती है। ये कैमरे कहिंदे साडे उस वक्त दे लगे हुए ने जिस वक्त असीं कैमरे लवाए उस वक्त मूसेवाले ने इत्थे हवेली भी अपनी नहीं सी बनवाई वो हवेली नहीं सी बनी हुई। नाल एक खबर होर भी मिली है कि साल 2020 दे विच पुलिस ने जानकारी दित्ती है कि अवतार अते जगतार अते नाल ही कंवरपाल समेत कुछ व्यक्तियों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया सी। ये एक म्यूजिक कंपनी चलाउंदे सन इन्हां उत्ते मूसेवाले का एक गीत लीक करन दे दोष लगे सी। मैं फिर याद करवा दिया कि मूसेवाले दे पिता ने भी आख्या सी कि मूसेवाले दे कुछ नज़दीकियां ने उहदे गीत लीक किए सी। उन्होंने ये भी आख्या सी कि मूसेवाले दे कतल दे विच भी कुछ उहदे नज़दीकियां दा हथ है। आने वाले दिनों कहा सी कि दसांगा हथ सी हथ है जां हथ नहीं। हो सकता है कि बलकौर सिंह सिद्धू आने वाले दिनों दे विच उन्हां लोकां दे नाम लैण की सिर्फ शक है जां उन्हां कोल इस संबंधी कोई सबूत है कदों उन्हां दे नाम दा खुलासा करदे है ये आने वाला समां दसेगा। पर जे सचमुच सिद्धू साहब कोल कोई सबूत हन तां देरी नहीं करनी चाहीदी।
घट्टो घट पुलिस जांच विच उन्हां नूं शामिल कर सकती है, हो सकता है कि पुलिस का फोकस हुण कितें होर होवे, फिर उधर भी किया जा सकता है। जे सचमुच बलकौर सिद्धू साहब तुहाडे कोल सबूत ने तां पुलिस नाल इह जानकारी जरूर सांझी करो। तो अगली जानकारी है जिहड़ी तुसीं सुण के वैसे हैरान होवोगे, अपनी सालाना रिटर्न भरी है श्रोमणी अकाली दल ने, उहदे च सब तो गरीब ने दो आगू, अंदाजा ला सकते हो किहड़े गरीब होणगे। सालाना रिटर्न तां इहो ही कहिंदी है कि गरीब ने प्रकाश सिंह बादल अते सुखबीर सिंह बादल। पार्टी ने पंजाब विधानसभा चोणां दे दौरान 2022 च जिहड़ियां होके हटियां ने शुरू शुरू दे विच अपने उम्मीदवारां बारे जानकारी दित्ती है कि किस नूं किन्ना फंड दिता गया। पार्टी दे वल्लों सालाना रिटर्न भरदियां पार्टी प्रधान सुखबीर बादल अते पार्टी दे सरप्रस्त प्रकाश सिंह बादल सब तो गरीब आगू दसे गए हैं। पार्टी दे वल्लों रिटर्न दे विच दित्ती जानकारी दे अनुसार श्रोमणी अकाली दल दे 2022 दे विच 97 उम्मीदवारां दे विचों इन्हां दो उम्मीदवारां नूं पार्टी दे वल्लों 30-30 लख रुपए का चंदा दिता गया। दसदिआं वैसे तां तुहानूं याद भी होणा है कि प्रकाश सिंह बादल पंजाब दे 5 वार मुख्यमंत्री रह चुके ने। 2022 दे विच श्रोमणी अकाली दल बुरी तरह हार गया सी। इन्हां चोणां दे विच अकाली दल ने 97 उम्मीदवार अपने चोण मैदान विच उतारे सी अते 20 उम्मीदवार बहुजन समाज पार्टी ने उतारे सी क्योंकि इन्हां दा गठजोड़ सी, पर जिहड़ी सालाना रिटर्न भरी आ उहदे विच इह गरीब उम्मीदवार दसे गए ने। हो सकदा पार्टी वध जाणदी है, आपां नूं उन्नी जानकारी ना होवे, हो सकदा प्रकाश सिंह बादल अते सुखबीर सिंह बादल भाई सचमुच गरीब ही होण, पर हमेशा उस परवरगार नूं क्योंकि CCTV उहदा भी लग्गिया होया इक साडे ते उहनूं हाज़र नाज़र समझ के ही जानकारियां देनियां चाहीदियां ने। कई वारी आपां कह दिंदे आ कि मैं गरीब हैं, उह कहिंदा इहने तां इहनूं अमीरी भी देख ली तां फिर भी अपने आप नूं गरीब ही दसदा है, क्यों ना इहनूं जिहड़ी इह सोच रखदा है उत्थे ले जा के खड़ा कर दईए। अगली जिहड़ी खबर है इह वी अकाली दल दे नाल संबंधित है। अकाली दल दे विच सब कुछ अच्छा नहीं है। बीते लंबे समय तो यह खबर आ रही ने कि अकाली दल दे विच अंदर कुछ बागी सुरां ने। अनुशासनी कमेटी ने चेतावनी दित्ती सी कि जेकर पार्टी प्लेटफार्म तो बाहर जाके कोई गल करेगा तो उहदे खिलाफ सख्त कार्रवाई होवेगी। हुण इस चेतावनी के बावजूद श्रोमणी अकाली दल दे विच जिहड़ा अंदरूनी कलेश है वह लगातार बरकरार भी है, वाधा भी जा रहा है। ये बागी सुरां मठियां पैण जां बंद होण दा नाम नहीं लै रहियां। पार्टी की विधानसभा चोणां दे विच करारी हार तो बाद मंथन वास्ते एक कमेटी का गठन किया गया सी, झूंदा कमेटी। साबका विधायक इकबाल सिंह झूंदा की अगवाई दे विच इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी बीते दिन सौंप दित्ती सी ते पार्टी लीडरशिप नूं लैके गंभीर सवाल भी खड़े किए सी। हुण सवालों के नाल नाल उन्होंने कुछ टिप्पणियां भी कीतियां ने। इहदे नाल ही पार्टी की कोर कमेटी के एक होर सीनियर आगू प्रेम सिंह चंदू माजरा ने भी बीते दिन ही संत हरचंद सिंह लौंगोवाल की बरसी के मौके समागम के अकाली दल की लीडरशिप को लेकर मुड़ टिप्पणियां कीतियां सी। चंदू माजरा ने कहा सी कि संत हरचंद सिंह लौंगोवाल वर्गा चाहिए पार्टी का आगू। उन्होंने आख्या सी भावें नाम नहीं सी लिया, ना पार्टी प्रधान का नाम लिया सी, ना अनुशासनी कमेटी का नाम लिया सी। ये नाम लै बगैर उन्होंने कहा सी कि पार्टी के भले लिए जो आगू सुझा देंगे ने उन्होंने बागी ना समझा जाए। उन्होंने कहा कि पार्टी के भले लिए चंगे सुझाव मन के सबनों नाल लैके चलना चाहिए। तुहानू तो याद होना है कि चंदू माजरा तो पहला मनप्रीत याली और जगमीत बराड़ वो भी अपने स्टैंड पर हाले तक कायम खड़े ने, पर हुण जिहड़ियां ताज़ा टिप्पणियां आईया ने वह सीनियर अकाली आगू इकबाल सिंह झूंदा दियां ने। उन्होंने कहा कि अकाली दल उन्हां हत्थां विच दित्ता जा रहा है जिन्हां दी पंथ अते पंजाब लई कोई सेवा नहीं। आ तुसी देखो कह की गए, वह कहते ठग चोर लुटेरियां दीआं टीमां जिन्हां दे हत्थां च अकाली दल दित्ता जा रहा है, जिस कारण उन्होंने ये कहा कि अकाली दल का आ जिहड़ा साढ़े सामने हशर इसे करके हो रहा है। उन्होंने सुझाव दिता कि लोगों की पसंद के चेहरिया जिला ते ब्लॉक पद्धर तक लीडरशिप दे विच अगे लिआउणा चाहिए, जबरी आगू नहीं थोपे जाने चाहिए। दसना बनता कि विधानसभा चोणां विच करारी हार अते संगरूर जिमनी चोण दे विच हार दे मद्देनज़र अकाली दल ने एक कमेटी का गठन किया सी, 13 मैंबरी कमेटी सी।
उन्हें सिफारिशां दित्तियां सन जिस दे विच लीडरशिप च बदलाव दे सुझाव सी। भावें सीधे तौर पर किसी का नाम नहीं सी लिया पर रिपोर्ट तो बाद सुखबीर सिंह बादल ने सारा ढांचा तो भंग कर दिता सी, सारे विंग तो भंग कर दिते सी, पर अपनी प्रधानगी नहीं सी छड्डी। जिस तो बाद अंदर खाते अकाली दल दे विच बहुत कुछ चल रहा है, देखो कि लावा कदों फुटदा है। तो अगली जिहड़ी खबर है, कुछ क दिन पहला तुहाडे नाल एक खबर सांझी कीती सी कि श्री दरबार साहब की परिक्रमा दे विच एक व्यक्ति ने फोटो खिंचवाई हुई है, तो फोटो जिहड़ी उन्होंने सोशल मीडिया से अपलोड की उहदे विच उहने जगदीश टाइटलर की शर्ट पाई हुई है, टी शर्ट, तो टी शर्ट वाली फोटो नूं सोशल मीडिया से वायरल करने वाले करमजीत सिंह गिल नूं पुलिस ने हुण गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसका दो दिन का रिमांड भी लै लिया। तो कांग्रेसी आगू जगदीश टाइटलर की फोटो वाली टी शर्ट पा के दरबार साहब की परिक्रमा दे विच जाके फोटो खिंचवाउणी, उहदे खिलाफ थाणा कोतवाली अमृतसर दे विच एक FIR दर्ज हुई सी, धार्मिक भावनावां भड़काउण दा मामला दर्ज होया सी। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुताबिक यह व्यक्ति श्री दरबार साहब आया, उसने सरोवर दे विच इशनान भी किया, इशनान करन तों बाद जगदीश टाइटलर की तस्वीर वाली टी शर्ट पाई। तुहानू याद होना है कि जगदीश टाइटलर नवंबर 1984 दे विच होए सिख विरोधी कतलेआम का दोषी है। की मकसद सी, क्यों उचेचे तौर पर दरबार साहब आके वह टी शर्ट पहनी, टी शर्ट पहन के फिर फोटो खिंचवाई, फिर फोटो खिंचवा के सोशल मीडिया से अपलोड की, सचमुचे का चार चफेरे बुरा मनाया गया सी। हुण इस व्यक्ति नूं गिरफ्तार कर लिया गया। आ खबर सचमुच तुहानूं झंझोड़ के रख सकती है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के नाल संबंधित खबर है, जिथों का एक 23 साल गभरू कैनेडा वास्ते अपलाई किया स्टडी वीजे के वास्ते, वीज़ा मिलण दे विच देरी हो गई, बस इस गल तो परेशान हो गया, नरवाणा ब्रांच नहर के विच उन्हें छाल मार के खुदकुशी कर ली। ये मामला बीते शनिवार का। पुलिस ने दस्या कि नौजवान के वलों खुदकुशी करन तो अगले दिन उहदे घर वीजा पहुँच जाता है। पुलिस के दसण मुताबक नौजवान की लाश नहर के विचों तैरती मिल गई सी। पुलिस वालों दित्ती जानकारी के अनुसार कुरुक्षेत्र के झांसा पिंड का वकील सैनी, वो अपनी अगलेरी पढ़ाई के वास्ते कैनेडा आना चाहता सी, उन्हें हाल ही दे विच अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली सी। पुलिस ने दस्या कि उन्हें कैनेडा का वीज़ा ना मिलने तो परेशानी के चलदियां उन्हें खुदकुशी कर ली। झांसा स्टेशन इंचार्ज राजपाल सिंह ने दस्या कि 17 अगस्त की रात को वो अपने घरों निकल गया, घरों निकलने तो बाद उन्हें नहर दे विच जाके खुदकुशी कर ली, तो अगले दिन उसकी लाश मिल गई। तो उहदे तो अगले दिन खुदकुशी तो बाद कैनेडा का स्टडी परमिट उन्हें मिल जाता है। हुण इस खबर के उत्ते मैं टिप्पणी करनी चाहना, पहली गल तो इस परिवार के नाल दिलों हमदर्दी है जिसना दा नौजवान पुत्र इस जहान तो चला गया। दूसरी गल, असी काले ना पाईए। तुसीं देखो कि बलकौर सिंह सिद्धू साहब वह भी कहिंदे ने कि 3 महीनों के उन्होंने फाह ही नहीं ला दिता गया, उन्होंने बनती सज़ा ही नहीं दिती गई, हालांकि आपां नूं पता कि अदालतां इन्नी तेजी नाल काम नहीं करदियां। दूसरी हुण आ भी गभरू जवान पुत्र है किसी का, जिहड़ा सिर्फ इस करके परेशान हो गया कि वीज़ा नहीं छेती आया। मैं बेनती करना कि तुहाडी जिंदगी नालों किसी मुल्क का वीज़ा जरूरी नहीं। वीज़ा प्रक्रिया दे विच देर हो सकती है, कैनेडा दे विच 25 लाख फाइलां ने जिहड़ियां वख वख अंबैसियां च पईआं ने, और वह सचमुच लाइनां च लगे हुए 25 लाख लोग ने। सो इस करके खुदकुशी वीरो किसी मसले का हल नहीं। वीज़ा लग्या 2 महीने ठहर के लग जाता, वध तो वध रिफ्यूजल लग जाती, पर हुण जिहड़ा मापिआं दे अगे तुसीं दुखां दा पहाड़ छड्ड के चले गए हो, उस मसले का हल की है? कृपा करके इस तरह के कदम ना पुटे जाण। अगली जिहड़ी खबर है वह पटियाले दे नेड़ियों मिली है। पटियाले दे नेड़े पैंदा पिंड नैणा अकौत। गुग्गा नवमी मौके ते उत्थे इतिहासक कबड्डी का टूरनामेंट हुंदा है। टूरनामेंट खेड के एक खिडारी आया सी, अणपछाते व्यक्ति ने तेज धार हथियार दे नाल उहदे ते हमला किया, जिस दे नाल ये खिडारी बुरी तरह जख्मी हो गया। प्रबंधकां ते होर लोगों ने जख्मी खिडारी सुखविंदर सिंह उर्फ मरदाना जिहड़ा कि पिंड देदना दा, उहनूं सरकारी हस्पताल दे विच इलाज वास्ते भर्ती करवा दिता गया, जिथे उह जेरे इलाज है। इस वक्त उहदी सेहत तबीयत ठीक दसी जा रही है। इस मामले में थाना सदर पटियाला की पुलिस ने अणपछाते व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जांच शुरू कर दी है।
ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 65 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗ 'ਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਨੈਣਾ ਅਕੌਤ ਆਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਖੇਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲਹੂ ਲਹਾਣ ਹੋ ਕੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਧੜਾ ਮੰਡਕ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਭੱਜਿਆ ਕੌਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰੇ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਇਫਸੋ IFSO ਨੇ, ਉਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਗਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗਰੋਹ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, 22 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 9 ਲੈਪਟਾਪ, 25 ਹਾਰਡ ਡਿਸਕਾਂ ਅਤੇ 51 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਗਰੋਹ ਨੇ ਕਰੀਬ 100 ਲੋਨ ਐਪਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੜੱਪ ਲਏ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੋਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਸ ਇਸੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੀੜਤ ਦੇ ਫੋਨ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਚੀਨ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਉੱਥੇ ਸਰਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖ ਲੈ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਰਕਮ ਦੀਆਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਲੋਕ। ਇਹ ਕਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਪ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। 22 ਲੋਕ ਇਸੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਹਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਅੱਤਵਾਦ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੁ ਐਪਸ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਐਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਖੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਪ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਰੇਜ਼ ਕੈਸ਼ ਐਪ, ਪੀਪੀ ਮਨੀ ਐਪ, ਰੂਪੀਸ ਮਾਸਟਰ ਐਪ, ਕੈਸ਼ ਰੇ ਐਪ, ਮੋਬੀ ਪੋਕਟ ਐਪ, ਪਾਪਾ ਮਨੀ ਐਪ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਕੈਸ਼ ਐਪ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੈਂਗੋ ਐਪ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਾਰਬਲ ਐਪ, CB ਲੋਨ ਐਪ, ਕੈਸ਼ ਐਡਵਾਂਸ ਐਪ, HDB ਲੋਨ ਐਪ, ਕੈਸ਼ ਟਰੀ ਐਪ, ਰਾ ਲੋਨ ਐਪ, ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਮਿੰਟ ਕੈਸ਼ ਐਪ, ਕੈਸ਼ ਲਾਈਟ ਐਪ, ਕੈਸ਼ ਫਿਸ਼ ਐਪ, HD ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਐਪ, ਰੂਪੀਸ ਲੈਂਡ ਐਪ, ਕੈਸ਼ ਰੂਮ ਐਪ, ਰੂਪੀ ਲੋਨ ਐਪ, ਵੈਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਐਪ। ਇਹ ਕੁਝ ਐਪਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ, ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਲੋਨ, ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਆਹ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਵੋ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਓ।
500 करोड़ रुपए हड़पे आ कुछ क लोगों ने, 22 गिरफ्तार हो लए, बाकी पता नहीं हले इस ग्रोह के होर किन्ने मैंबर जो जांच पड़ताल हुई सामने आएंगे। वड्डियां ठगियां लोग कर रहे हैं। सो दोस्तों ये कुल मिला के अपना अज का प्रोग्राम, क्योंकि जिस तरह की एडवांस हो रही है टेक्नोलॉजी उस तरह ठगियां हुण कंध पाड़ ला के नहीं, कंध च सन ला के चोरिया नहीं होंदिया, हुण चोरियां इस तरीके नाल होंदिया ने। सचमुच जेकर प्रोग्राम चंगा लग्या तां कृपा करके लाइक अते शेयर जरूर कर दिओ। जाण तों पहलां कहांगा कि जेकर हाले तक तुसी अपने इस चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया तां कृपा करके सबसक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर ऑन कर लैणी, तुहाडे धन्नवादी होवांगे। जिंदगी जिंदादरी का नाम है। दविंदर सिंह बैनीपाल नूं आग्या दिओ। सत श्री अकाल ते रब राखा।